दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरह सेबी नए नए स्टेप्स उठा रहा है जिससे कि जो रिटेल क्लाइंट्स हैं यानी कि जो रिटेल निवेशक हैं उनके हित सद सके, यानी कि उनके साथ कोई भी धोखाधड़ी ना हो और कोई भी जालसाजी करके उनका पैसा लुटाना जा सके। तो सारी चीज़ें दोस्तों आज के वीडियो में बहुत ही डिटेल से हम देखेंगे और साथ ही साथ ये देखेंगे म्यूचुअल फंड में क्या नए नियम आ रहे हैं जो कि ब्रोकर्स को हाथ डालने से रोकेंगे, यानी कि अब ब्रोकर के अकाउंट में पैसा जाएगा नहीं जाएगा, कब तक और निवेशक के खाते में डायरेक्ट पैसा आ जाएगा, सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम डिटेल से देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिए ताकि अपलोड से रिलेटेड सारे नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। और दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको मैं बता दूं जो कार्वी का जो केस है वो तो आप सबको पता ही है, लगभग 2,300 करोड़ के आसपास का फ्रॉड है। और ये फ्रॉड दोस्तों वही है कि निवेशकों का पैसा उनकी पावर ऑफ अटॉर्नी का मिसयूज़ करके अपने अकाउंट में डाल दिया और वही शेयर्स बैंकों के यहाँ गिरवे रख के उन्होंने पैसा ले लिया और वो पैसा उन्होंने उनके जो रियलिटी अकाउंट था उनमें डाल दिया। अब उसको देखते हुए सेबी ने क्या करा है, एक प्रपोज किया है, ठीक है, बैन। अब बैन क्यों लगा दिया है ये, ताकि रूट ना कर सके, जैसे कि डाइवर्ट होता है ना दोस्तों, मान लीजिए किसी रास्ते पे काम चल रहा हो तो बहाना बना देते हैं कि इस रास्ते पे भी काम चल रहा है, आपको उस रास्ते से होकर गुजरना पड़ेगा। तो यहाँ दोस्तों रूट क्या होता है, मान लीजिए एक तरह का रास्ता वो ना यूज़ करके कोई दूसरा रास्ता यूज़ किया जाता है तो उसको रूट बोलते हैं। अब यहाँ पर होता क्या था दोस्तों, ये क्यों कर रहा है ये देखिए, अब पूल अकाउंट में नहीं जाएगा पैसा, ठीक है, पूल अकाउंट में ना जाते हुए डायरेक्ट अब किसके अकाउंट में चले जाएगा, जो इन्वेस्टर रहेगा जो निवेशक रहेगा उसके अकाउंट में चले जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये कम क्यों आया, ये जब ये इसने जो मिसयूज़ करा है, किसने, कार्वी ने क्लाइंट के साथ धोखाधड़ी करी, उनके पावर ऑफ अटॉर्नी का मिसयूज़ करा है, उनके शेयर्स ट्रांसफ़र कर लिए उनकी अनुमति के बिना, ये सारी चीज़ों को देखते हुए अब भविष्य में इस तरह की गलती ना हो और आने वाली गलतियों को पहले से सुधार करने के लिए या पहले से प्रिवेंशन करने के लिए, रोकथाम करने के लिए अब सेबी ने इस स्टेप्स को उठाया है। अब इससे क्या होगा कि डायरेक्ट पैसा जो है वो क्लाइंट्स के अकाउंट में चले जाएगा, यानी कि मान लीजिए मैंने कहीं अपने ब्रोकर के थ्रू किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा लगाया, तो पहले ये होता था दोस्तों कि वो म्यूचुअल फंड बेचे जाते थे, वो पैसा ब्रोकर के अकाउंट में आता था, वो ब्रोकर के अकाउंट से सेटलमेंट होकर मेरे अकाउंट में आता था, यानी बैंक अकाउंट में आता था। अब दोस्तों सेबी कुछ ऐसा करने जा रहा है जिससे कि वो पैसा अब ब्रोकर के अकाउंट में ना जाते हुए डायरेक्ट मेरे अकाउंट में ही आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों एक डिस्कशन पेपर आया है, ठीक है, अब डिस्कशन पेपर में क्या आ रहा है, जो परचेस और सेल्स होंगे किसके, म्यूचुअल फंड के या पूल अकाउंट के थ्रू या ऑनलाइन जो होते हैं, अब उनमें क्या हो रहा है कि जो मिसयूज़ होते थे, किस तरह से पावर ऑफ अटॉर्नी ले ली जाती थी, आप ऑनलाइन जब भी कोई फॉर्म भरते हैं तो जो टिक करने की जगह आती है, हाँ मैंने सारी टर्म्स और कंडीशंस पढ़ लिए हैं, वहाँ कुछ चीज़ें ऐसी डाल दी जाती थी कि नॉर्मली निवेशक क्या करता है, उन चीज़ों को पढ़ता नहीं है और फिर उन्हीं के शर्तों के अधीन ये मिसयूज़ करते हैं। अब सेबी क्या चाहता है देख लीजिए, हम देख लेते हैं। अब इंटरमीडिएटरी, ठीक है, फर्स्ट एग्रीगेट मनी ऑफ कस्टमर देन पास इट टू AMC, ठीक है, यानी कि पहले तो आप इंटरमीडिएट, यानी कि कौन, जो ब्रोकर्स वगैरह रहते थे ये पैसा लेते थे और AMC को पास कर देते थे। और फिर म्यूचुअल फंड रहते थे, रिडम्पशन के समय क्या होता था, ये जो AMC रहते थे ये इनके पैसे ब्रोकर के पास चले जाते थे। अब क्या होगा दोस्तों, अब ब्रोकर का पत्ता कट जाएगा, ठीक है, यानी कि ब्रोकर के अकाउंट से अब निवेशकों को और म्यूचुअल फंड्स को कोई लेना देना नहीं होगा, पैसा डालेगा व्यक्ति तो डायरेक्ट उसके अकाउंट से कटेगा और म्यूचुअल फंड वाले के अकाउंट में चले जाएगा, और यदि वो बेचता है म्यूचुअल फंड तो उसके अकाउंट से डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट में कस्टमर को पैसा मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों FY 18-19 में जो पूल ट्रांजैक्शन हुए हैं, यानी कि ब्रोकर्स द्वारा जो ट्रांजैक्शन किए गए वो 51.5% के आसपास के करे गए, ठीक है। अब उसके बाद जो नॉन पूल ट्रांजैक्शन है, यानी कि जो डायरेक्ट ट्रांजैक्शन हुए वो करीबन 48% के आसपास ही हुए, यानी कि उससे भी कम हुआ है, यानी कि दलालों के द्वारा ज़्यादा ट्रांजैक्शन किया गया है। अब सेबी ने प्रपोज कर दिया है कि इस तरह के ट्रांजैक्शनों को रोककर आप डायरेक्ट जो है इन्वेस्टर को राइट दीजिए कि वो पैसा डायरेक्ट उसके खाते में आए और उसी के खाते से कटे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, उम्मीद करता हूँ जो जानकारी मैंने आपके साथ शेयर करी वो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको हिट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।